गुड डे टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर ममता चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मोड ऑफ इन्फेक्शन। यह टॉपिक MSc सेमेस्टर थर्ड के स्पेशल पेपर एडवांस प्लांट पैथोलॉजी के यूनिट 1 का है। वॉट इज इन्फेक्शन? एन इन्फेक्शन इज द कॉलोनाइजेशन ऑफ ए होस्ट बाय माइक्रोबियल स्पीशीज। Infecting microbes seek to use the host resources to reproduce, often resulting in disease. Colloquially, infections are usually considered to be caused by microscopic organisms like viruses, prions, bacteria, and viroids. Though larger organisms like macroparasites and fungi can also infect. Infection kya hai? Infection jo hai, wo hai किसी भी पैथोजन का होस्ट में कॉलोनाइज होना। दैट वी कैन ऑल्सो से द एंट्री ऑफ द पैथोजन इन ए होस्ट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्ट करने वाले जो माइक्रोब्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रियोन्स, और कुछ लार्जर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, जैसे कि फंजाई, निमेटोड्स एक्सेट्रा। वॉट इज पेनिट्रेशन? द एंट्री ऑफ पैथोजन इन द होस्ट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। कोई भी पैथोजन है, चाहे वो बैक्टीरिया है या वायरस है या प्रियोन्स हैं, ये होस्ट में एंटर करने के लिए उसे पहले पेनिट्रेट करेंगे, यानी उसमें एंट्री कोशिश करेंगे। इसी एंट्री को कहते हैं पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन, डायरेक्ट पेनिट्रेशन में फंजाई, निमेटोड जो हैं, ये मैकेनिकल फोर्सेस का या एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं। यानी या तो वो, जैसे फंजाई है तो वो अपने एपिसोरिया से पेनिट्रेट करेगी, और अगर और अदर जो फंजाई हैं या बैक्टीरिया हैं वे कई एंजाइम सिक्रेट करेंगी जिससे कि वो होस्ट में एंट्री कर सकें। इन्फेक्शन जब एंट्री हो जाती है पैथोजन की होस्ट में, यानी पेनिट्रेशन हो जाता है, तो उसके बाद इन्फेक्शन का एक्चुअल स्टेज आएगा। वॉट इज़ इन्फेक्शन? The establishment of a pathogen within a host plant is called infection. So this is the process by which pathogen establishes contact with susceptible cell or tissue of the host and procure nutrients. तो वह process है जिसमें pathogen host में establish होके वहाँ से अपने nutrient लेगा host से, क्योंकि pathogen जो होता है वो parasite होता है, वो अपना खुद भोजन नहीं बना सकता, वो अपने भोजन के लिए host पर निर्भर रहता है। नाउ इन्वेजन, जब पैथोजन एंट्री कर जाएगा होस्ट में तो उसके बाद ये अपनी ग्रोथ करने लगेगा और इसकी लाइफ साइकिल चलने लगेगी जिससे ये फैलेगा, तो इसीलिए हम कहेंगे इन्वेजन। तो द स्प्रेड ऑफ द पैथोजन विद इन द होस्ट इज कॉल्ड इन्वेजन। फंजाई जो है वो इंटरसेल्युलर, इंट्रासेल्युलर दोनों तरीके से स्प्रेड हो सकती है। बैक्टीरिया है, ये भी इंटर एंड इंट्रासेल्युलर तरीके से फैल सकते हैं। वायरस, वायरॉइड्स, MLO, फाइटोप्लाज्मा, ये जो है सेल टू सेल मूविंग करके पूरे होस्ट में फैल सकते हैं। इन्फेक्शन के का फर्स्ट प्रोसेस है मैकेनिकल फोर्सेस। ही कोई भी जो पैथोजन है वो उसमें एंट्री करेगा, एंट्री करने व एस्टेब्लिश होने के लिए वो पहला जो मैकेनिज्म यूज़ करेगा वो है मैकेनिकल फोर्सेज, यानी पैथोजन ही जो है अपनी ताकत लगाकर उस होस्ट में एंटर करने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट जो है मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन में वो है मैकेनिकल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन होस्ट टिश्यूज बाय पैथोजन्स। वायरसेस आर यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्टली थ्रू द प्लांट सेल बाय इंसेक्ट्स वुंडिंग साइट्स, देयरफॉर दे डू नॉट एक्सर्ट मैकेनिकल फोर्सेस टू एंटर इन द होस्ट। होस्ट में एंटर करने के लिए जो वायरसेस हैं वो डायरेक्ट कभी एंटर नहीं कर सकते, इनको किसी वेक्टर की जरूरत होती है, जैसे कि इंसेक्ट्स की, या कोई कट लगा हो प्लांट पे, या नेचुरल ओपनिंग हो जैसे कि स्टोमेटा, या कोई कट लगा हो वुंडेड साइड हो, तो वहाँ से ये वायरस जो है जनरली एंटर करता है। लेकिन फंजाई जो है वो अपने फंजाई में जो माइसीलियम होता है उसका जो एंड होता है उस पर वो एंड फ्लैट होकर साइज में बड़ा करके एक बल्ब नुमा संरचना बनाता है जिसे कहते हैं एपिसोरिया। तो फंजाई का जो मैकेनिज्म है एंटर करने का वो है एपिसोरिया के थ्रू। So many fungi are known to apply mechanical forces on the plant they are about to attack. When fungal spores lands on
ए प्लांट सरफेस एंड कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश्ड, डायमीटर ऑफ द टिप ऑफ द हाइफा और रेडिकल इन कॉन्टैक्ट विद द होस्ट इंक्रीजेज एंड फॉर्म्स द फ्लैटन्ड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एपिसोरियम. दिस इंक्रीज द एरिया ऑफ एडहेरेंस बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म एंड सिक्योरली फास्टन्स द पैथोजन टू द प्लांट. फ्रॉम द एपिसोरियम ए फाइन ग्रोइंग पॉइंट कॉल्ड द पेनिट्रेशन पैग पैज अराइजेस एंड एडवांसेस इन टू एंड थ्रू द क्यूटिकल एंड द सेल वॉल. फिर एपिसोरिया से ग्रोइंग पॉइंट निकलेगा जिसे पेनिट्रेशन पैज कहेंगे. ये उत्पन्न होकर सेल वॉल में, सेल वॉल को पेनिट्रेट करके सेल के अंदर प्रवेश करता है. तो पहला जो मेथड था वो था कि फंजाई जो है वो मैकेनिकल फोर्स लगाती है एपिसोरिया के थ्रू और एंटर करती है, और जो वायरसेस हैं वो सेल सैप के थ्रू या वुंड्स के थ्रू या नेचुरल ओपनिंग्स के थ्रू एंटर करते हैं. दूसरा जो मेथड है पैथोजन का वो है केमिकल सिक्रेट करके. तो इसे हम कह सकते हैं केमिकल वेपन्स ऑफ पैथोजन. सम पैथोजन इन प्लांट्स आर लार्जली केमिकल इन नेचर, देयरफॉर द इफेक्ट कॉज्ड बाय पैथोजन्स ऑन प्लांट्स आर ऑलमोस्ट एंटायरली द रिजल्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय द पैथोजन एंड दोज प्रेजेंट इन और प्रोड्यूस बाय द प्लांट. द मेन ग्रुप्स ऑफ सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय पैथोजन्स इन प्लांट दैट सीम्स टू बी इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ डिजीज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर एंजाइम्स, टॉक्सिन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड पॉलीसेकेराइड्स. तो ज़्यादातर जो पैथोजन्स हैं वो कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि होस्ट में ईजिली पेनिट्रेट कर सकें. तो इन केमिकल्स में एंजाइम हो सकते हैं, टॉक्सिन, ग्रोथ रेगुलेटर्स, पॉलीसेकेराइड्स, ये सब हो सकते हैं जिसकी हेल्प से पैथोजन होस्ट में एंट्री कर सकता है और वहाँ जाके इस्टेब्लिश हो सकता है. टॉक्सिन सीम्स टू एक्ट डायरेक्टली ऑन प्रोटोप्लास्ट कंपोनेंट एंड इंटरफियर विद द परमेबिलिटी ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड विद इट्स फंक्शंस. ग्रोथ रेगुलेटर्स एक्सर्ट ए हार्मोनल इफेक्ट ऑन द सेल एंड देयर इंक्रीज और डिक्रीज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड एनलार्ज. पॉलीसेकेराइड्स सीम टू प्ले ए रोल ओनली इन द वैस्कुलर डिजीजेज इन विच दे इंटरफियर पैसिवली विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन द प्लांट्स. अगर पैथोजन टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं तो ये इन टॉक्सिन्स के कारण जो सेल की जो परमेबिलिटी है और उसके जो फंक्शंस हैं उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है. और ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या करते हैं, ये सेल्स पे हार्मोनल इफेक्ट डालते हैं जिससे सेल्स में जो डिवाइड होने की जो कैपेसिटी है वो प्रभावित होती है. पॉलीसेकेराइड जो एंजाइम जो पॉलीसेकेराइड जो सिक्रीट करेगा पैथोजन उस वो स्पेशली वैस्कुलर डिजीज़ में इसका प्रभाव देखा जा सकता है जहाँ पर ये पॉलीसेकेराइड्स प्लांट्स पे होने वाले ट्रांसलोकेशन को रोकते हैं. अब डिटेल में हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो पैथोजन सिक्रीट करता है जिससे प्लांट्स में वो एंटर के बाद एस्टेब्लिश हो सके. तो पैथोजन जो पहला एंजाइम सिक्रीट करता है वो है क्यूटिनेजेस. क्यूटिनेजेस एंजाइम वो एंजाइम क्यूटिनेजेस जो क्यूटिन का लाइसिस करे उसे हम बोलेंगे क्यूटिनेजेस. तो पैथोजन जो है क्यूटिनेजेस एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि जो क्यूटिन लेयर जो होती है एपिडर्मिस के ऊपर जिससे कि क्यूटिकल बनी होती है उसको ये नष्ट कर देता है क्यूटिनेज एंजाइम ताकि पैथोजन उसमें एंट्री कर सके. सो क्यूटिन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द क्यूटिकल. द अपर पार्ट ऑफ द क्यूटिकल इज एडमिक्स्ड विद वैक्सेस वेयर एज इट्स लोअर पार्ट इन द रीजन वेयर इट मर्जेस इन टू द आउटर वॉल्स ऑफ एपिडर्मिस इज एडमिक्स्ड विद पैक्टिन एंड सेल्यूलोज. क्यूटिनेजेस ब्रेक डाउन क्यूटिन मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज मोनोमर्स एज वेल एज ऑलिगोमर्स ऑफ द कंपोनेंट फैटी एसिड डेरिवेटिव फ्रॉम द इनसॉल्युबल क्यूटिन पॉलीमर फॉर एग्जाम्पल फ्यूजेरियम एंड पोट्राइटिस. तो जो फ्यूजेरियम और पोट्राइटिस जो फंजाए हैं ये क्यूटिनेज एंजाइम सिक्रेट करते हैं जो एपिडर्मिस पे पाई जाने वाली क्यूटिकल है उसको डिग्रेड कर देते हैं ताकि पैथोजन जो है वो होस्ट में एंटर कर सके. दूसरा जो एंजाइम जो पैथोजन सिक्रीट करता है वो है पैक्टिनेज एंजाइम, और इसका जो मेन असर होता है वो होता है मिडिल लैमिला पे. इसकी वजह से क्या होगा, मिडिल लैमिला डिसॉल्व हो जाएगी तो जो जो सेल्स हैं टिश्यूज़ हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और ये इजीली एंटर कर सकेंगे.
पेक्टिन सब्सटेंसेस कंस्टिट्यूट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मिडिल लैमेला, दैट इज द इंटरसेलुलर सीमेंट दैट होल्ड्स इन प्लेस द सेल ऑफ प्लांट टिश्यूज. सेवरल एंजाइम्स डिग्रेड पैक्टिक सब्सटेंसेस एंड आर नोन एज पैक्टिनेजेस और पैक्टोलाइटिक एंजाइम्स. पैक्टिक एंजाइम्स इज पैक्टिन मिथाइल एस्ट्रेजेस विच रिमूव स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द पैक्टिन चेन्स. पैक्टिक एंजाइम इज अ चेन स्प्लिटिंग पैक्टिनेज कॉल्ड पॉलीगैलेक्टोरोनेजेस. इट स्प्लिट द पैक्टिक चेन बाय एडिंग ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड ब्रेकिंग द लिंकेज बिटवीन टू गैलेक्टोरोनन मॉलिक्यूल्स. थर्ड, पैक्टिक लाइजेज एंजाइम. इट इज स्प्लिट द चेन बाय रिमूविंग ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम द लिंकेज, देयर बाय ब्रेकिंग इट एंड रिलीजिंग प्रोडक्ट्स विद एन अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, राल्स्टोनिया सोलेनेसियरम डिडमिएला ब्रायोनी, ये जो दोनों पैथोजेंस हैं ये पैक्टिनेसिस एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिससे कि मिडिल लैमेला जो है वो होस्ट सेल की डिजॉल्व हो जाती है. तीसरा जो एंजाइम सिक्रीट करता है पैथोजन वो है सेल्यूलेजेस, यानी सेल्यूलोज को डिग्रेड करने वाला एंजाइम होगा सेल्यूलेजेस. सेल्यूलोज इज ऑल्सो ए पॉलीसेकेराइड बट इट कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ ग्लूकोज 1,4-beta-D ग्लूकेन मॉलिक्यूल्स. सेप्रोफाइट्स फंजाई मेनली सर्टेन ग्रुप ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज एंड टू ए लेसर डिग्री सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल्यूलोज डीकम्पोज इन नेचर. इन लिविंग प्लांट टिश्यूज हाउएवर सेल्यूलाइटिक एंजाइम सिक्रेटेड बाई पैथोजन प्ले ए रोल इन द सॉफ्टनिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल वॉल मटीरियल. तो सेल्यूलेसिस एंजाइम का जो मेन फंक्शन है जो कि पैथोजन सिक्रेट करता है वो है सेल वॉल को डिग्रेड करना और सेल्स एंड टिश्यूज को सॉफ्ट करना ताकि पैथोजन उसमें एंट्री कर सके होस्ट में इजीली. क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शंस. इन्फेक्शंस को कई प्रकारों में बांटा गया है. फर्स्ट है प्राइमरी इन्फेक्शन. प्राइमरी इन्फेक्शन इट इज़ ए इनिशियल इन्फेक्शन विद ऑर्गेनिज्म इन होस्ट. री इन्फेक्शन सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन बाई सेम ऑर्गेनिज्म इन ए होस्ट. एक बार इन्फेक्शन होने के बाद दोबारा इन्फेक्शन होगा उसी होस्ट में तो उसे हम कहेंगे री इन्फेक्शन. थर्ड, सुपर इन्फेक्शन. इन्फेक्शन बाई सेम ऑर्गेनिज्म इन ए होस्ट बिफोर रिकवरी. होस्ट में रिकवरी से पहले ये इन्फेक्शन फिर हो जाए तो इसे सुपर इन्फेक्शन कहा जाएगा. सेकेंडरी इन्फेक्शन फैन इन ए होस्ट हुज रेजिस्टेंस इज लोअर्ड बाई प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शियस डिजीज ए न्यू ऑर्गेनिज्म में सेटअप इन इन्फेक्शन. जो प्लांट ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और उसके बाद भी दोबारा वो उसी पैथोजन से इन्फेक्ट होता है तो इसे कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन. इकोलॉजी एंड स्प्रेड. पूरा जो इन्फेक्शन है ये किस तरह से फैलता है इसको हम बैक्टीरिया के रेफरेंस में समझ सकते हैं. ऑलमोस्ट ऑल पैथोजेनिक बैक्टीरिया डेवलप मोस्टली इन द होस्ट प्लांट एज पैरासाइट्स ऑन द प्लांट सरफेस, स्पेशली बर्ड्स एज एपिफाइट्स एंड पार्टली इन प्लांट डेब्रिस और इन द सॉइल एज सेप्रोफाइट. जो भी बैक्टीरिया है वो या तो प्लांट सरफेस पे होंगे, बर्ड्स पे होंगे, एपिफाइट्स पे होंगे या सॉइल में पाए जाएंगे. वेर एवर प्लांट पैथोजेनिक एंड अदर बैक्टीरिया एग्जिस्ट दे ऑफन एग्जिस्ट एज बायोफिल्म, दैट इज कम्युनिटीज ऑफ आइडेंटिकल और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच्ड ईच अदर एंड और टू ए सॉलिड सरफेस. जो ये बैक्टीरिया है ये सॉइल सरफेस पे एक बायोफिल्म की तरह भी पाए जाते हैं. सम बैक्टीरियल पैथोजन सच एज इरविनिया एमाइलोवोरा विच कॉजेज फायर ब्लाइट ऑफ पियर प्रोड्यूस देयर पॉपुलेशंस इन द प्लांट होस्ट वाइल इन द सॉइल देयर नंबर डिक्लाइन रैपिडली एंड यूजली डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रोपगेशन ऑफ द डिजीज फ्रॉम सीजन टू सीजन. तो मेनली जो इरविनिया एमाइलोवोरा है ये पेयर के अंदर फायर ब्लाइट डिजीज करता है और ये सॉइल में ये कई लंबे समय तक रह सकता है. दीज पैथोजन्स हैव डेवलप्ड सस्टेन्ड प्लांट टू प्लांट इन्फेक्शन साइकल्स ऑफन वाया इंसेक्ट वैक्टर्स एंड आइदर बिकॉज ऑफ द पेरिनियल नेचर ऑफ द होस्ट और द एसोसिएशन ऑफ द बैक्टीरिया विद इट्स वेजिटेटिव प्रोपागेटिंग ऑर्गन्स और सीड्स दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू सर्वाइव इन द सॉइल. तो इन पैथोजन की टेंडेंसी रहती है कि या तो ये जो है वेक्टर्स के थ्रू जीवित रहें या होस्ट की अगर पेरिनियल नेचर है तो वो पौधा जो है अगले साल भी रहेगा तो उसको फिर से ये इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो ये सब इनके लिए बहुत ज़रूरी है, या तो इन्हें होस्ट मिले या ये किसी वेक्टर
वेक्टर पे इन्फेक्ट करें ताकि ये सर्वाइव कर सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते सॉइल में, अगर इनको वेक्टर नहीं मिलता है। सम अदर बैक्टीरियल पैथोजन सच एज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस विच कॉजेज क्राउन गॉल, रास्टोनिया सोलेनेसियरम विच कॉजेज द बैक्टीरियल विल्ट ऑफ सोलेनेशियस क्रॉप्स, एंड पर्टिकुलरली स्टेप्टोमाइसिस स्केबीज विच कॉजेज द कॉमन स्कैब ऑफ पोटेटो। दीज आर टिपिकल सॉइल इनहेबिटेंट्स। तो ये तीनों जो बैक्टीरिया हैं एग्रोबैक्टीरियम, रास्टोनिया एंड स्टेप्टोमाइसिस, ये सॉइल में जनरली पाए जाते हैं और होस्ट मिलने पर उसको इन्फेक्ट करते हैं। वेन इन सॉइल बैक्टीरिया लिव मोस्टली ऑन प्लांट मटीरियल, लेस ऑफन दे लिव फ्रीली और सेप्रोफिटिकली और इन देयर नेचुरल बैक्टीरियल ऊज विच प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम वेरियस एडवर्स फैक्टर्स। बैक्टीरिया में ऑल्सो सर्वाइव इन और ऑन सीड्स, अदर प्लांट पार्ट्स और इंसेक्ट्स फाउंड इन द सॉइल। ऑन प्लांट्स बैक्टीरिया ऑफन सर्वाइव एपिफाइटिकली इन बर्ड्स, ऑन वर्म्स इन देयर एक्सुडेट्स और इनसाइड द वेरियस टिश्यूज और ऑर्गन्स दैट दे इन्फेक्ट। नॉर्मली बैक्टीरिया सॉइल में होंगे, जैसे ही इन्हें होस्ट मिलेगा ये उसको इन्फेक्ट करेंगे। ये सेप्रोफिटिकली, कुछ बैक्टीरिया जो है सेप्रोफिटिकली भी लिव रह सकते हैं, लिव हो सकते हैं या रह जी सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया जो हैं सीड्स पर, प्लांट पार्ट्स पर, इन पर भी सर्वाइव करते हैं। और ये जो प्लांट से जो एक्सुडेट निकलता है उसके अंदर भी रहकर ये सर्वाइव कर सकते हैं। द डिसेमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर और टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट इज कैरिड आउट प्राइमरीली बाय वाटर, इंसेक्ट्स, अदर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है उसका डिसेमिनेशन या उसका प्रसार वो मेनली वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग के थ्रू बैक्टीरिया का होता है प्रसार। अब है बैक्टीरिया अगर पहुंच जाता है एप्रोप्रिएट अपने होस्ट पर तो उसे कैसे इन्फेक्ट करेगा। एडिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टू द प्लांट सरफेस इज की टू द सब्सिक्वेंट इवेंट्स इन द इन्फेक्शन प्रोसेस। एडिशन इज फैसिलिटेड बाई द एक्स्ट्रा सेलुलर स्लाइम और लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड इंट्रैक्शन ऑफ सर्फेस प्रोटीन्स। बैक्टीरियल सेल्स हैव द एबिलिटी टू फॉर्म बायोफिल्म ऑन द कॉन्टैक्ट पॉइंट। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर इनकैपेबल ऑफ डायरेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ क्यूटिकुलराइज्ड वॉल और लेयर्स ऑफ कॉर्क सेल्स ऑफ द होस्ट। द मेन पॉइंट्स ऑफ एंट्री आर नॉन क्यूटिकुलराइज्ड एरिया सच एज रूट हेयर, स्टिग्मा, नेचुरल ओपनिंग लाइक स्टोमेटा, हाइड्रेथ्रोट्स, लेंटिसेल्स। इन एडिशन द मेजोरिटी ऑफ इन्फेक्शंस बाय बैक्टीरिया अकर्स थ्रू वर्म्स और पंक्चर्स कॉज्ड बाय कल्चर ऑपरेशंस और बाय इंसेक्ट्स एंड निमेटोड्स। बैक्टीरिया जैसे ही प्लांट सरफेस पर आएगा तो ये इसकी जो आउटर लेयर होती है वो स्लाइमी लेयर होती है, चिपचिपी लेयर होती है, जिससे ये सरफेस पे चिपक पाता है। और इसके अलावा बैक्टीरिया में डायरेक्ट कैपेसिटी नहीं होती कि वो प्लांट को पेनिट्रेट कर सके, तो इसके लिए बैक्टीरिया की जो एंट्री होगी वो नॉन क्यूटिकुलराइज एरिया पे होगी जहाँ पे क्यूटिन नहीं होगा, जैसे कि रूट हेयर, स्टिग्मा, स्टोमेटा, हाइड्रेथ्रोट्स, लेंटिसेल्स। ये नेचुरल ओपनिंग के थ्रू जा सकता है ये, और नॉन क्यूटिकल एरिया जैसे कि रूट हेयर, स्टिग्मा को के थ्रू भी ये प्लांट में एंटर कर सकता है। इसके अलावा खेती करते समय अगर किसी प्लांट पे कोई कट लग जाता है तो उसके थ्रू भी बैक्टीरिया होस्ट में एंटर करता है। मोड ऑफ एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इन प्लांट्स। एक्टिव इन्वेजन बाय बैक्टीरिया थ्रू नॉन क्यूटिनाइज सरफेस इज समटाइम्स फिजिबल बाय मीन्स द सेल्स ऑफ ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ज़ैंथोमोनास कंपेस्टिस एंटर थ्रू हाइड्रेथ्रोट्स विच आर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड सेल्स एट लीफ एज। द फायर ब्लाइट बैक्टीरियम इरविनिया एमाइलोवोरा एंटर्स द फ्लोरल पार्ट थ्रू द स्पेशल नेक्टर प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट सिस्टम। द पोटेटो स्कैब ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज गेन्स एंट्री इनटू द ट्यूबर्स थ्रू लेंटिसेल्स, एंट्री थ्रू स्टोमेटा। तो ये सब एंट्री के प्लांट में एंट्री के मेथड्स हैं कि या तो स्टोमेटा के थ्रू जा सकते हैं या वो किसी नॉन क्यूटिकुलाइज सरफेस के थ्रू कर सकते हैं प्लांट्स का एंट्री। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। बैक्टीरियल पैथोजेंस ऑन एंट्री इनटू द होस्ट टारगेट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट सच एज प्रोग्राम्ड सेल्स डेथ, सेल वॉल ऑल्ट्रेशन एंड हार्मोनल सिग्नलिंग सिस्टम। रूट कॉजिंग एंजाइम्स द सॉफ्ट रॉट बैक्टीरिया डैमेज टिश्यू बाई
वर्च्यू ऑफ देयर एबिलिटी टू डीकम्पोज द पैक्टिक सब्सटेंसेज ऑफ द प्लांट सेल वॉल. दीज पैक्टिक सब्सटेंसेज पैक्टिन एस्ट्रेजेस एंड पॉलीकलेक्टरिनोजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉफ्ट रोट डिजीज कॉज बाई इर्विनिया स्पीशीज. बैक्टीरिया जो है वो कौन से सिम्टम कॉज करते हैं अगर वो होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि हाइपरट्रॉफी. या हाइपरट्रॉफी क्या होता है? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी. नेक्स्ट है वेस्कुलर विल्ट. बैक्टीरिया के थ्रू ऐसे पॉलीसैकेराइड सिक्रेट किए जाएंगे जो कि ट्रांसलोकेशन को रोक देते हैं. जाइलम फ्लोएम, जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसलोकेशन करता है, फ्लोएम जो है फूड का करता है. तो अगर इस इनके पैसेज में अगर पॉलीसैकेराइड जमा हो जाएंगे तो पौधे में विल्टिंग आ जाएगी. तो एक विल्टिंग होना भी एक सिम्टम होता है बैक्टीरिया का. दूसरा है कुछ टॉक्सिन्स भी सिक्रेट करते हैं जो प्लांट के ऊपर बुरा असर डालते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट इन्फेक्शन इन प्लांट्स. थैंक यू.